हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। और अभी बज रहे हैं 7, और 7 बजे मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, थोड़ा मतलब आधा घंटा आगे उठ गई हूँ क्योंकि घर में आज पूजा है। तो मम्मी के रूम में पूरा अभी टोटल काम करूँगी फटाफट, लेकिन ये हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हुआ है ना, मैं थोड़ा ही ऊपर कर पा रही, जैसे पकड़ी हूँ उतना ही ऊँचा कर पा रही हूँ, बाकी थोड़ा और ज़्यादा ऊँचा करके जो रखूँगी वैसा टाइप का नहीं हो रहा इतना ज़्यादा दर्द। कल से दर्द हुआ था पर मैं सोची कम जाएगा, नहीं बताए, पर आज ज़्यादा ही बढ़ गया है इसलिए तकलीफ हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हाथ अटैच करना पड़ेगा तो फिर वो सब नहीं कर पा रही हूँ, भारी चीज़ उठा नहीं पा रही हूँ, मतलब जोर नहीं दे पा रही हूँ, तो उसी के कारण मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। और आज दिखाऊंगी, और मैं घर से आ गई हूँ, कल परसों आई हूँ क्योंकि ये पूजा के कारण मेरे को बुला लिया गया है, तो घर में पूजा है जल्दी आओ बोल के आना पड़ा मेरे को, फिर जाऊंगी, देखती हूँ कब जाऊंगी। और ये है पीछे का वाला बलून, निहारिका का जो जन्मदिन था वो सब अभी भी है हो रहा। तो अभी पूजा का तैयारी कंप्लीट हो गया, ये लोग माली लोग भी आ गए, इन लोगों को पता नहीं था कि आज पूजा है करके, नहाए भी नहीं है, कुछ नहीं किए, नहाए भी नहीं है लोग। और यहाँ पे पूजा का पूरा तैयारी हो गया है। পুনম করছো? এই যে দাদু, এই একটা কি জানো দেখ দিদা, ওটা রাহুলের তা। আচ্ছা তো আমি মানি यहां पे नहाएगी करके মানি কা কাপড়া ঢুঁড়া যা। তোমার একটা বের করে রেখেছি না, বাইরে ধুই রাখ আছে এখানে একটা। বেটো প্রণাম করে দাও ঠাকুর কে, মাথা নিচে করে প্রণাম করো, মাথা নিচে করে প্রণাম করো। ওই ওর প্যান্ট শুকাইছো? হ্যাঁ, ওখানে রাখো। কি ওই মানিকটা জামা প্যান্ট শুকাইছে একটা, একটা তো বেশি ওর ভিতরে। ঠাকুর ভালো রাখো, একটা ব্ল্যাক কালারের আছে তো বাইরে, ওর প্যান্ট একটা কোনোটাও পরে নেবেন চুটকিরটা। तो अभी यहाँ पे सिद्धो चावल बनेगा, आलू आलू दे के उबाल दूंगी आलू, और सिर्फ चावल बनेगा। और अगर मेरे पास टाइम रहा, अभी भी मेशो नहीं आए, वही पूजा करेंगे हम लोग का घर का, तो मेशो आने के बाद पूजा शुरू हो जाएगा, उसके पहले मैं थोड़ा चावल बैठा सकती तो बैठा देती हूँ, पूजा में मैं ही बैठूँगी। और ये वाला साड़ी मैं मम्मी से ना सिलाई करवाने के लिए लाई थी सूट, तो मेरे को ये बहुत एकदम हल्का, मतलब इतना ज़्यादा हल्का लगा, तो मैंने सोचा इसी को ही पहन लूँगी मैं। तो ये है पूरा मेरा साड़ी, गर्मी में पूरा कंफर्टेबल है। अब मैं पहनी हूँ तो, अगर दूसरा साड़ी पहनती ना तो मेरे को अभी तक नहीं होता, तो ये इसको पहनी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले चावल बैठा देती हूँ, सोची थी एक ही साथ बैठाऊंगी, पर एक ही साथ इतना बड़ा इतना गंजी में नहीं होगा, और मेरे को क्वांटिटी भी नहीं पता है कि कितना क्या होता है करके, तो मैं इसमें सिर्फ चावल बैठा दे रही हूँ। और एक कुकर में मैं बैठा दूंगी आलू, और जो भी मिलता है वो सब एक साथ बैठा दूंगी। तो हे गाइस, अभी मम्मी क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ डोसा बैटर है ये ना, मूंग दाल का डोसा बनाऊंगी, इसलिए मूंग दाल पीस रही हूँ। एक्चुअली इन लोग खा के नहीं आए हैं, तो इन लोग के लिए अभी कल भिगो के रखी थी मैं, सुबह उठ के डोसा भिगा दी थी, तो अभी मैं डोसा पीस लेती हूँ, मसाला मैं बना के रखी हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा हाथ आज मसाला रखा है, वो मैंने कल ही बना के रखा है, ये रहा मसाला, नहीं चटनी बोलते हैं। हाँ वही, जो भी है समझ जाएंगे लोग, है ना, समझ जाओगे आप लोग तो बस। और ये है मेरा मसाला चटनी, और अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। हे भगवान। और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। एक्चुअली ना एक बात बताऊँ, अपना देखना, एक्चुअली मैं बात बताना चाहती हूँ ना, मेरे को आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था घर से, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती लाया गया
तो वहाँ पे गई थी, सोच रही थी बोर लगेगा, पर वहाँ पे तो इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से घर से भी निकलने का मन नहीं कर रहा था मेरा, ये हालत हो गया था। तो और 10-15 दिन घूमने वाली थी परिवहन के कारण मैं, और पहली बात तो ये मेरे दीदी सारे वृंदावन 21 को, 21 को नहीं 22 को जा रहे हैं, जो भी है ना, ना। तो अभी मैं बिचारी माँ दुखी हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ पे, अच्छा लग रहा है तो अपना घर अपना ही होता है। ভাত খাবা আমি সকালে কি খেয়েছি বলছো ভাত কি দিয়ে ডাল দিয়ে তাই বলছি আমি তার নিয়ে আসতেছি ভাত বলে আমি তো কুছ নেই খাইয়ে ও কি তুমি মিথ্যে কথা বলছো এটা কি খাই হ্যাঁ এইটা কি पानी के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, मतलब वहाँ से आए तो आपको वो दिए हो ना। क्या दिए हूँ? अरे मतलब इतना जल्दी आप आ गए ना। अच्छा तो? मतलब कुछ पानी के लिए खोना पड़ता है। और यहाँ पे चाय कंप्लीट, अभी पुजारी जी नहीं आए हैं। पुजारी जी कौन? दादू। दादू है, दादू मेशो। क्या कुछ दादू नहीं करते? खुद हम लोग का नहीं होता ना, एक ही गोत्र है तो ओके, खुद का पूजा खुद नहीं कर सकते, कोई और चाहिए रहता। ऐसा भी होता है। तो दादू, और हम लोग का ना एकदम छोटा मोटा पूजा दे रहे हैं, आसपास वाले को एक दो ही जन को बुलाए हैं, ज्यादा घर नहीं बुलाए, दो तीन घर ही बुलाए हैं। पर ना हम लोग का घर इतना छोटा है ना कि ऐसा लगता है बहुत सारे घर लगा है। हाँ नहीं, वो रूम में पूजा देने का कोई कारण है, जो वो छोटा वाला रूम में, नहीं तो हम लोग बाहर भी दे सकते हैं। हाँ, पर नहीं, वही रूम में देना पड़ेगा करके ऐसे। अभी देखो बाहर बाहर अच्छा नहीं है ना, इसलिए पुजारी जी आ गए, मेरे को जल्दी से चाय देना पड़ेगा। उपास, हाँ आज घर में तीनों उपास है। हाँ, हाँ मम्मी उपास है, मैं उपास हूँ, यहाँ तक की छुटकी भी उपास ही है, क्योंकि घर में घर लक्ष्मी विराजेगी, पता नहीं जगदलपुर वाले सब भिखारी हो जाएंगे, चक्रवर्ती परिवार पूरा अमीर हो जाएंगे लग रहा है। খালি ধ্যান করো, শান্তি, কোনো পূজা টুজা নেই, জানি খালি মনকে টার্গেট করো, চিন্তা মানে তুই করবা দে না, এ আমার কাপড়টাও পড়ে গেছে, মানি কাপড়টা উঠাই দিস, ওখান থেকে একটা প্যান্ট নিয়ে খিদা পাচ্ছে তো, ইডলি ডোসা খা না, ওই যা দেখো পয়সা দিতে গেছে তোমাকে, পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আসো, আর 150 না আমার হাতে দিও, হ্যাঁ छुटकी को थोड़ा नींबू चावल खिला देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा हम लोग को पूजा करते करते। और अभी पंडित जी अभी तक आए थे, फिर रिटर्न गए, पता नहीं क्या कुछ काम था शायद, इसलिए रिटर्न चले गए, फिर आएंगे अभी कुछ सामान लेने गए जो कि रह गया है, और मैं उसको चावल खिला दूँगी नींबू के साथ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में भूख लगेगा तो। रोटी तो नहीं है, दिन भर अगर नहीं दूँगी तो, पर भूख लगेगा, भूख लगेगा क्या, लग गया है, पर रोटी नहीं है, एक प्लस पॉइंट ये है इसका, मेरा हाथ इतना दर्द है, ये कदार मैं सो नहीं पाई, यहाँ पे इतना दर्द हुआ, कुछ प्रेशर भी नहीं दे पा रही ऐसे करके।